तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरशीशा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ तमाम आलम इस्लाम को 26वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही तमाम आलम इस्लाम को जो ये मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, दीनी सवाल जवाब शाने औलिया इकराम की निस्बत से माहे रमजान की मुताबिक सवाल जवाब जो भी भाई जो बहन मेरे माँ बाप वडील दोस्त बिरादर जो भी आप देख रहे हैं, तमाम तमाम को गुजारिश है, विनती है खुदा के लिए, आप तमाम आज 27वीं रमजान है, लैलतुल कदर की रात है, मांगने की रात है, जो भी मांगना है इस तरीके से मांगिए, अपने लिए, अपने दोस्त बिरादर अड़ोस पड़ोस आलम इस्लाम के लिए, पूरी कायनात के लिए बराए मेहरबानी आज की रात दुआ करना। और दुआ में हमें याद करना, हम आपको याद करेंगे, आप हमें याद करना, क्योंकि यही दुआ से तो दुनिया चलती है, दवा से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दुआ से ही दुनिया चलती है और दुआ से ही दुनिया कायम है, क्योंकि हमारा यही मकसद है। बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की शान में जिस तरह से हमने आपकी खिदमत में दीनी सवाल जवाब पेश किए थे लगातार सिलसिलावार, आज 26वीं इफ्तारी है, तब तक आपकी खिदमत में हम ये काम करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह रही जिंदगी तब तक यही काम करते रहेंगे। पूरी हिंदुस्तान की सरजमीन पे जहां कहीं बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है, इनकी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यही है हमारा मकसद। आप हमें साथ दीजिए, इंशाल्लाह रही जिंदगी, अगर स्पॉन्सर हमें मिलते जाएंगे तो ये काम हम आगे बढ़ाते जाएंगे। सही मालूमात बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की आप तक पहुंचाने की हम पूरे पूरी कोशिश करेंगे, यही तो मकसद है। बुजुर्गान दीन औलिया इकराम अपनी हयाती जिंदगी में किस तरह से दीन इस्लाम की तबलीग तो की, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है, किस तरह से दिया है, इंशाल्लाह इसी मौजू पे आज हमने आपकी खिदमत में तीन सवालात किए थे। तीनों सवालात प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देता हुआ, पहला सवाल हमारा ये था, भारत की सरजमीन पे भारत का बादशाह वो अकबर बादशाह अपनी औलाद के लिए कौन से महान वलिए कामिल की बारगाह में गए थे और कहा था आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे यहां औलाद मिल जाए। ये है महान वलिए कामिल शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अकबर बादशाह आगरा की सरजमी पे और फतेहपुर सिकरी में, पहली राजधानी फतेहपुर सिकरी थी अकबर बादशाह की, और अकबर बादशाह वो तकब्बर और अभिमानी बादशाह था, हाँ तकब्बर और अभिमानी बादशाह था, जो एक दीन की रचना की थी जिसका इसने नाम रखा था दीने इलाही, और मेरे रब के सामने हुआ था दीने इलाही, इसका दीन का नाम रखा था, और मस्जिदों से आजान जब आती थी तब अकबर बादशाह अवाम को कहता था देख लो ये मेरा नाम है, खुदाई का दावा करने वाला अकबर बादशाह तकब्बर और अभिमानी था। इसके यहां तीन बीवियां थी, एक मुस्लिम क्रिश्चियन और एक हिंदू, जोधाबाई राजा मान सिंह की बहन थी, इनके घर पे औलाद नहीं थी, तब हर तरफ से फंसा हुआ था, लेकिन जोधाबाई ने इसे कहा हमारे किले के पास एक सिकरी गुफा में एक फकीर रहता है, चलो उसके पास, वो वहां दुआ करके आए। अकबर बादशाह तकब्बर और अभिमानी की जिंदगी बसर करने वाला मना कर दिया, मैं इस फकीर के पास जाऊं, जोधाबाई ने कहा औलाद नहीं है तो कहीं भी जाना पड़ेगा। अकबर बादशाह शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में आते हैं और शेख सलीम चिश्ती उसे मना कर देते हैं, अकबर बादशाह तेरे नसीब में औलाद नहीं, चला जा तू, तकब्बर और अभिमानी की जिंदगी बसर करने वाला, तेरे नसीब में औलाद नहीं। अकबर बादशाह
नाराज होते हुए आंखों से आंसू निकालते हुए आगे बढ़े तो एक छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा। अल्लाह पाक की कुदरत देखिए, 6 महीने को अल्लाह पाक ने जबान दी, उसका नाम है बाले मियां, जो शेख सलीम चिश्ती का साहबजादा है। शेख सलीम चिश्ती का साहबजादा बाले मियां ने अकबर बादशाह को कहा, ए अकबर बादशाह क्यों रोता है? तो अकबर बादशाह हैरान और परेशान हो गया, इतना छोटा बच्चा किस तरह से इसे जीवन मिली, आवाज किस तरह से निकाला। लेकिन बाले मियां ने कहा, क्यों रोता है? अकबर बादशाह ने कहा, औलाद के लिए गया था शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में, मना कर दिया, औलाद मेरे नसीब में नहीं है। 6 महीने का बच्चा कहने लगा, तुझे मांगना नहीं आता, जा तुम मेरे अब्बा के जहां, फिर से जा और कहे मेरे नसीब में औलाद नहीं है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप मेरे लिए दुआ करें। शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में वापिस अकबर जाता है, हंसता हुआ जाता है, शेख सलीम चिश्ती को कहता है, अकबर बादशाह को शेख सलीम चिश्ती ने कहा, तकब्बर और अभिमानी जिंदगी बसर करने वाला, खुदाई का दावा करने वाला, वो छोटे बच्चे जितनी तुम में अकल नहीं थी, तुझे कहना नहीं आया नहीं, उस छोटे बच्चे ने कहा और तू मेरी बारगाह में वापिस आया, जा मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तेरे घर पे औलाद आएगी, इस औलाद का तू चाहे जो भी नाम रख, लेकिन मुझसे निस्बत रहेगी और मेरे ख्वाजा की बारगाह में तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का बादशाह वो है, वहां से तुझे मिलेगी। शेख सलीम चिश्ती इतना कह दिया, अकबर बादशाह 14 मरतबा फतेहपुर सिकरी से अजमेर शरीफ पैदल आए हैं, और फिर इसके घर पे औलाद नसीब हुई, औलाद का नाम इसने रखा जहांगीर, प्यार से कहते थे सलीम शेखू, ये है अकबर बादशाह। फिर अकबर बादशाह शेख सलीम को अपना पीर बनाया, और शेख सलीम चिश्ती कभी कभार फतेहपुर सिकरी रहते थे, कभी कभार सरन शरीफ इमाम रब्बानी के पास जाते थे, उस जमाने में उस दौर में इमाम रब्बानी मुजद्दीन अल्फे शानी सरन शरीफ में थे, और अकबर बादशाह को रास्ते पे ले आने वाले सरन शरीफ इमाम रब्बानी मुजद्दीन अल्फे शानी है, सही रास्ते पे ले आने वाले सरन शरीफ इमाम रब्बानी मुजद्दीन अल्फे शानी नक्शबंदी है, और सलीम चिश्ती कभी कभार मदीने पाक चले जाते थे, यही ख्वाहिश थी कि जन्नतुल बकी में मेरा लाशा मुबारक दफन किया जाए, मदीने की मिट्टी मिले। लेकिन जब एक मर्तबा गए तो वहां नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बसारत दी और कहा, शेख सलीम चिश्ती तुम वहां जाइए जहां दीन इस्लाम की तबलीग करते हो, फतेहपुर सिकरी, तुम्हारी तमन्ना वहां पूरी होगी। शेख सलीम चिश्ती वहां से वापिस आ गए, फतेहपुर सिकरी रहने लगे। जब दुनिया से पर्दा किया, उनकी कब्र खोदी जा रही थी और मिट्टी जो निकलती थी वो मदीने की खुशबू थी, लोग कहते थे ये तो मदीने की खुशबू है, क्योंकि तमन्ना भी वही थी जन्नतुल बकी में दफन हो। लेकिन इसी तरह से शेख सलीम चिश्ती की तमन्ना पूरी हुई, और अकबर बादशाह ने लाल कलर से गुंबद और मजार शरीफ बना दी। और जब जहांगीर को पता चला कि इस वली कामिल ने मेरे लिए दुआ की है, तो जहांगीर बादशाह ने लाल पत्थर हटा के वाइट संगे मरमर से मजार पाक बना दी है, ऐसा खूबसूरत मजार शेख सलीम चिश्ती का मुकद्दस दरबार है। दास्तान तो लंबी है, थोड़े थोड़े पॉइंट आप तक पहुंचाता हूं मैं, लेकिन इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका मिलेगा, पूरी दास्तान आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरा हमारा सवाल, गुजरात की सरजमीन पे, काठियावाड़ की सरजमीन पे वो महान वली कामिल कौन है जिसके गांव में आज तक चार पाई पे कोई सो नहीं सकता, कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता, और अगर लेडीज को डिलीवरी प्रसंग आ जावे तो भी वो खटिए पे सो नहीं सकती, ऐसी महान हस्ती गुजरात की सरजमीन पे, मांगरौड़ और पोरबंदर के बीच एक गांव है लोधपुर, लोधपुर एक गांव है जिनकी आबादी तकरीबन 27,000 की है,
और लौतपुर गांव में एक महान वलिए कामिल हजरत सैयद मिरन शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका मुकद्दस दरबार है। जंगल में वो मज़ारे पाक है। 27,000 की बस्ती वाला ये गांव है। उस गांव में हर ज्ञाति के लोग रहते हैं, आयर जास्ती रहते हैं। मुस्लिम की आबादी है लेकिन आयर जास्ती रहते हैं। सब लोग इस दरबार को बहुत मानते हैं और जो भी खेती बाड़ी करता है वो लोग पहली खेती में जो किस्त आती है वो दरबार में पेश करते हैं। गेहूं हो, जो भी हो, जो अनाज पकता है पहले इस दरबार में पेश करते हैं। और उस गांव में आज भी एक करामत है, कोई भी सांप बिच्छू किसी को काट नहीं सकता, ये जिंदा करामत है। आज तक इस गांव में, लौतपुर गांव में और मिरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार है। ऐसी महान हस्ती, आप एक मरतबा जाके आइए या इंशाल्लाह मेरे साथ चलिए ताकि बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की सही तरह से आप तक मालूमात पहुंच सके। ऐसी महान हस्ती है। तीसरा सवाल हमारा कच्छ की सरजमीन से वो सवाल था, वो महान वलिए कामिल कौन था जो अपने जनाजे से उठ गए और इसके बाद 3 दिन तक दुनिया में हयात रहे और अपनी जगह फाइनल करने के बाद दुनिया से पर्दा किया। वो महान वलिए कामिल का नाम है हजरत कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी जन्म भूमि मांडवी तालुके में कोकलिया गांव है। मांडवी तालुके में कोकलिया गांव जन्म भूमि है। दिल में तमन्ना ख्वाहिश थी कि लखपत की सरजमी पे मैं आराम करूं। उस दौर में लखपत एक बड़ा शहर था, 45,000 की बस्ती वाला कच्छ में फर्स्ट नंबर का शहर था। उस दौर में लखपत में लाखों कोरिया पांचिया आता है। उस जमाने का जो पैसा था, चलन था, उसका रोज कारोबार हुआ करता था, इसलिए तो उस गांव का, उस शहर का नाम पड़ा लखपत। सिद्धू नदी के यहां वेण आया करते थे, सिद्धू नदी पानी यहां आया करता था, वो है लखपत। लखपत का तो इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन आज जिस मकसद से मैंने आपकी खिदमत में जो सवाल किए हैं वो हजरत सैयद कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह लखपत की सरजमी पे आए, अपने मुरीदों, तादाद जास्ती थी, उनकी वसीयत थी मैं कहीं भी जाऊं मुझे दफन लखपत की सरजमी पे करना। उसके बाद एक मरतबा एक गांव में अपने मुरीदों से मिलने गए और वहां से दुनिया से पर्दा कर दिए और बाद में इनका जनाजा तैयार करके जब लखपत की सरजमी पे ले आके आए थे तब वहां के जो सिपाही सालार थे, क्योंकि लखपत का किला है, तमाम आबादी लखपत के किले के अंदर रहती थी, तो उस गेट पे जब पहुंचे तब सिपाही सालार ने मना कर दिया, आप जनाजा तैयार करके आए हैं तो बाहर इसे दफन कर दीजिए, अंदर आने नहीं मिलेगा। लेकिन इनके मुरीद भी पक्के थे, मुरीदों ने जनाजे के पास आके कह दिया हजरत आपकी वसीयत है, आप अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अंदर आने नहीं देते। कामल शाह वली की करामत जाहिर हुई, अपने जनाजे से खड़े हो गए। यही तो है कामल शाह की कमाल, जनाजे से खड़े हो गए और फिर सिपाही सालार को कहने लगे साहब अभी तो मैं जिंदा हूं, कहां मुड़ता हूं, कहां वफात हुई है, अभी तो आने दोगे ना। हजरत कामल शाह वली अंदर गए, 3 दिन तक जिंदा रहे और दुनिया से पर्दा कर जाने के पहले अपनी जगह फाइनल की, इसी जगह पे मुझे दफन करना, ये है महान वली कामिल हजरत कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। सिलसिलावार आज 26 इफ्तारी हो चुकी, कल 27वीं रात हो, 27वां शहरी होगी, आज 27वीं रात है। तो आप तमाम मेम्बरान से जो मेरे ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, तमाम से गुजारिश है, विनंती है कि आप तमाम सबके लिए दुआ करना और जितने भी आप इस प्रोग्राम में मेंबर है उन तमाम को मैं गुजारिश करता हूं, आप जितने भी मेंबर है सबके लिए दुआ करना, बाद में मेरे लिए दुआ करना। तो ये है हमारे प्रोग्राम, आज 26वीं इफ्तारी है, इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में कल हम पेश करेंगे और
अच्छे सवाल आप लेके आएंगे। बुजुर्गान दीन औलिया इकराम का सिलसिला, शान औलिया इकराम, आपको कैसा लगता है? आपके शहर में, आपके गांव में, आपके आसपास, आपके मोहल्ले में कोई भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम का दरबार हो, कोई भी करामत हो, तो आप हम तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह इसी तरह से उन बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की सही मालूमात अवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हाँ, ये प्रोग्राम रमज़ान में हमने चालू किया है, इंशाल्लाह हर साल में 5 मरतबा पेश करेंगे। और इनके अलावा दूसरी बात बताता चलूँ, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, आप स्पॉन्सर बनना चाहते हैं, आप इनाम के तौर पे कोई भी ऐलान करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। काम हमारा होगा, नाम आपका होगा। इंशाल्लाह इसी तरह से हम ये काम करते जाएंगे। और हम अपना टूर का जो इनाम रखेंगे वो तो इंशाल्लाह फाइनल रखेंगे, लेकिन आप जिस तरह से इनाम जाहिरात करेंगे इसी तरह से हम काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। और इसी तरह से संजरी टूर्स अनवर हुसैन खलीफा आपके लिए ये काम करेगा, क्योंकि आपका काम मेरा काम बुजुर्गान दीन औलिया इकराम से निस्बत रखना होगा। इसी तरह से हम इंशाल्लाह काम करते जाएंगे। और हमारे इस प्रोग्राम में जिस सखी दाता ने, जिस सखी घराने ने 11 आदमियों को फ्री टूर पैकेज की जाहिरात की है, उन फैमिली के लिए आप तमाम मेहरबानी करके दुआ कीजिए, ताकि इतना हमदर्द बन के सखी घराना इस प्रोग्राम में सामने आए हैं, तो आप समझ सकते हैं 11 आदमी को अजमेर टूर, 6 दिन का टूर पैकेज जाहिर करना बड़ी बात है साहब। अगर किसी ने जाहिर किया है तो उनके लिए बराए मेहरबानी, उनकी फैमिली के लिए दुआएं करना। अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता करे। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, पंजतन पाक के सदके, गौसे आजम के सदके, ख्वाजाए ख्वाजगा, ख्वाजा गरीब नवाज के सदके, तमाम बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के सदके, जिस तरह से हमारा ये प्रोग्राम शान औलिया इकराम की निस्बत से चालू है, उस तमाम बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के सदके और मेरे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह के सदके, इंशाल्लाह आप तमाम हर इंसान के लिए दुआ करना। ये कोरोना वायरस की वबा आलम इस्लाम से और पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से, इस वबा से निजात मिले, कामयाबी मिले और ये वायरस हमसे दूर चला जाए। तमाम आलम इस्लाम से गुजारिश है, विनंती है। मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा ग्रीन कच्छ, अकबर भाई नोड़े के साथ आज दीजिए इजाजत। कल सुबह मुलाकात फिर शहरी में। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज़।